इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज की सबसे अहम खबर के तौर पर देखा जाए तो भारत के अहम तरीन शख्स जो चीफ ऑफ डिफेंस थे, जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। ना सिर्फ बिपिन रावत बल्कि इनकी अहलिया और दिगर 11 फौजी अफसरान की मौत हो गई। मुल्क हिंद के लिए आज का दिन सबसे अफसोसनाक माना जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि किसी चीफ ऑफ डिफेंस का इस तरह हादसे का शिकार हो जाना वाकई एक बहुत बड़ा सदमा कह सकते। पूरे देश में मातम का माहौल देखा जा रहा है। तमिलनाडु के कुन्नूर में आज 8 दिसंबर 2021 को हुई इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अपने अहलिया और फौज के आला अफसरान के साथ एयरफोर्स के एक Mi-17V5 हेलीकॉप्टर में सवार थे। जनरल रावत गुजरे साल 1 जनवरी 2020 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किए गए थे। एयरफोर्स ने जानकारी दी है कि हादसे की असल वजह का पता लगाने की जांच का हुक्म दिया गया है। Mi-17V5 दुनिया के सबसे आला दर्जे के नकलो हमल ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में से एक है। इसे फौजियों, हथियारों को ले जाने, फायर सपोर्ट, पेट्रोलिंग और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशनों के लिए तैनात किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर को समंदरी मौसम और रेगिस्तानी हालात में भी उड़ान के लिए डिजाइन किया गया। हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी लद्दाख, केदारनाथ जैसे इलाकों में इसी हेलीकॉप्टर के जरिए गए थे। वजीर दिफा जैसे VVIP इस हेलीकॉप्टर में दूर दराज इलाकों में जाते हैं। एयरफोर्स की जानिब से महज अहम शख्सियतों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बताया जा रहा है कि जहां कहीं हवाई उड़ान के लिए जगह नहीं रहती, वहां इस हेलीकॉप्टर के जरिए VIP मूवमेंट किया जाता है। अब इस हादसे पर भी तस्करे किए जा रहे और सवाल भी इसलिए उठाना लाजिम है क्योंकि मुल्क के तहफूजी दस्ते के जिम्मेदार का इस तरह हादसे का शिकार होना आखिर किसे जिम्मेदार ठहरा जाए। अब हर तरफ से यह मांग की जा रही है कि इसकी तफ्तीश की जाए। वैसे शुरुआती इत्तला के मुताबिक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वो वजह बताया जा रहा है तो कभी मौसम खराब होने की बात कही जा रही है। मुल्क का सबसे अहम तरीन शख्स जब किसी हेलीकॉप्टर से सफर कर रहा होता है तो तमाम जायजे के बाद ही सवार होते होंगे। इसके बावजूद आखिर हादसा कैसे हुआ? ऐसा नहीं है कि इससे पहले हादसे नहीं हुए हैं। कई बार हेलीकॉप्टर के हादसों में अहम शख्सियतों की जान चली गई है। संजय गांधी, माधोराव सिंधिया, YS राजशेखर रेड्डी की मौत भी इसी तरह हेलीकॉप्टर गिरने से हुई थी। हाल ही में उधमपुर में चीता नाम का फौजी हेलीकॉप्टर गिरने से 2 फौजी अफसरान की मौत हो गई थी। MiG-27 को 12 गिरते हुए हमने देखा है। इसके बावजूद आज की सानिये को महज हादसा न समझा जाए बल्कि गहरी तहकीक जरूरी है। जब इस हेलीकॉप्टर को सबसे महफूज कहा जाता है और इसे तमाम खराब मौसमों को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया था तो फिर हादसा किस वजह से हुआ? इसकी जांच जारी है। हादसा इतना खौफनाक है कि तकरीबन लाशों को पहचानना मुश्किल हो गया था। घनी झाड़ियों में हादसा होने से कई दरख्त भी आग की लपेट में आ गए। लाशों की पहचान ना होने की वजह से DNA टेस्ट किया जा रहा है। मुल्क की आन बान शान के जिम्मेदार बिपिन रावत के इस हादसे पर भी मीडिया अपनी घटिया TRP बटोरने से बाज नहीं आई। अभी तक मामला साफ भी नहीं हुआ, लेकिन एनिमेशन के जरिए कैसा हेलीकॉप्टर गिरने की कहानियां बताने का मुकाबला लगा हुआ है। क्या इन्हें मुल्क के सबसे बड़े चीफ ऑफ डिफेंस का भी पासो लिहाज नहीं रहा? दरअसल ऐसे मामलों में तो मीडिया को अपने दायरे मुकर्रर करने होंगे। एक बार महज हादसा कहकर इसे नजरअंदाज न किया जाए क्योंकि मुल्क के तहफूज दस्ते के जिम्मेदार की मौत के कई पहलू हो सकते हैं। दुश्मनों की साजिश या अपनों में छिपे दुश्मनों का कोई हाथ तो नहीं? खैर, तमाम तस्वीरें तो जैसे वक्त गुजरेगा साफ होगी। मुल्क की सुरक्षा को लेकर इससे पहले भी अपनों में छिपे दुश्मनों को बेनकाब होते हुए देखा गया है। हादसा है तो हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के लिए कौन जिम्मेदार लोग हैं? इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। साजिशें हैं तो इसे भी बेनकाब किया जाए क्योंकि यह हादसा मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस के साथ दिगर 11 फौजी आला अफसरान की है और यकीनन मुल्क के लिए अफसोस का मकाम है। मुल्क गम में डूबा हुआ है। कानून साज असेंबली चुनाव महज 2 दिन की दूरी पर है। कांग्रेस भाजपा की जानिब से खरीदो फरोख्त की सियासत जोरों पर है। कारोबार लगा हुआ है, वोट खरीदे जा रहे हैं और अपना जमीर यानी वोट बेचने वालों की भी यहां कमी नहीं है। जो भी जितना भी ज्यादा रुपया देता है वो अपना वोट दर्ज करने की फिराक में तकरीबन वोटर्स है। कुल 8,000 से भी ज्यादा वोटर्स कानून साज असेंबली में है जिनकी किस्मत खुलती नजर आ रही है। इत्तला के मुताबिक 1,00,000 तक की कीमत दिए जाने की बात कही सुनी जा रही है। वैसे भी अब सियासत खरीदो फरोख्त का बाजार ही बन चुका है।
पहले कभी उसूलों पर मसाइलों पर आवाम की परेशानियों को दूर करने के लिए आवामी नुमाइंदे चुने जाते थे, लेकिन फिलहाल हर तरफ सौदेबाजी के कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई भी किसी भी पार्टी का हो उसे खरीदा जाता है, और इसमें सबसे अव्वल में भाजपा को देखा जाता है। मुल्क में तकरीबन रियासतों में भाजपा की हुकूमत है, लेकिन कई जगहों पर पीछे के दरवाजे से ही इख्तदार पजीर होते देखा गया। अब आवाम में भी खास जोश और खरोश नहीं देखा जा रहा। जब चुनाव आते हैं तो लोगों में भी रुपयों का ही रुझान देखा जाता है, कौन सी पार्टी कितना रुपया बांट रही है इस पर ही ज्यादा बहस मुबहसे देखे जाते हैं। अगर मान लो भाजपा हिंदुत्व या मजहबी तशद्दुद का खेल खेल रही है तो आवाम में भी किसी तरह की तब्दीली का जज्बा नहीं देखा जा रहा। जैसे हर रोज चल रही है वैसे ही जिंदगी गुजरने के आदि अक्सर लोग देखे जाते हैं। बेलगाम में कानून साज असेंबली चुनाव में भले ही कारपोरेटर, तालुका पंचायत मेंबरान या जिला पंचायत मेंबरान दिगर सरकारी वोटरों को ही हक होता है, लेकिन इसे भी लाखों रुपए देकर वोटों को खरीदते देखा जा रहा है। और शायद ही कोई ऐसा शख्स ना हो जिसे रुपयों की जरूरत ना पड़ी हो और अपने उसूल, अपनी विचारधारा, अपनी सोच और फिक्र पर वोट करता हो। जाहिर है जब रुपयों से खरीदे हुए उम्मीदवार जीतने लगे तो मुल्क की सही रहनुमाई कहाँ से होगी। लिहाजा रिश्वतखोरी, जमीर फरोशी के बाजार सजे हुए हैं और इसी में आवाम भी खुश नजर आ रही है। वरना इतनी महंगाई के बावजूद भी, धर्म के नाम पर लड़ने के बावजूद भी भाजपा जीत दर्ज करती कैसे है, इसका क्या मतलब हो सकता है? रुपये बांटने में सियासी पार्टियों का मुकाबला लगा हुआ है, यहाँ तक आजाद उम्मीदवार ने भी रुपये बांटने में बढ़त हासिल करने की बात कही जा रही है। अब ऐसे समाज से, ऐसे नुमाइंदों से, ऐसे उम्मीदवारों से, ऐसे वोटरों से बेहतरीन माशरे की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं, किस बुनियाद पर कर सकते हैं? खैर, अब तो चुनाव आने लगते हैं तो 15 साल के स्कूली बच्चे भी सियासी पार्टियों के दरवाजे पर रुपये लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। मतलब आने वाली नस्ल भी इसके लिए तैयार बैठी है, जबकि इनको अभी वोट करने का हक मिला ही नहीं है। मुस्लिम माशरे का तो हाल सबसे खराब है, इसे तो किस पार्टी के पास जाना यह समझ में भी नहीं आ रहा। बेलगाम नॉर्थ में अक्सरियत मुसलमान है तो तकरीबन सियासी पार्टियों के जिम्मेदार भी यहाँ मुसलमान है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जेडीएस, समाजवादी पार्टी, एमआईएम और भी पार्टियां हैं। अब बताओ तो सही कि कितने लोग इस मुस्लिम इलाकों से अपनी उम्मीदवारी दर्ज करेंगे। ये भी बात उतनी ही सच है कि कांग्रेस से मुस्लिम वोट हटता नजर आ रहा है। नौजवानों में कुछ लोग एमआईएम, तो कुछ पढ़े लिखे लोग आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़े जेडीएस में। कुल मिलाकर इस समाज को एक करना बहुत मुश्किल काम नजर आ रहा है। मुसलमानों को एक तरफ निशाना बना जा रहा है तो दूसरी तरफ बिखरती कौम, नौजवानों में दुनिया परस्ती और आयश परस्ती, मुस्लिम जमातों का मुंतशिर होना, उलमाओं का आम आवाम से दूर रहना, तमाम बातों से इतना अंदाजा हो जाता है कि आने वाले दिन बहुत सख्त गुजरने वाले हैं। जरूरत है सियासी, समाजी, माशी तौर पर लम्हे फिक्र करने की, पर बारहा इस पर तबसरे मुजाकरे तो होते हैं लेकिन अमल होता नजर नहीं आ रहा। अब इस बेहिसी को क्या कहा जाए? हर फर्द को जिम्मेदारी से काम करते हुए संजीदगी अख्तियार करने की जरूरत है, वरना जैसे अक्सर अशार इस्तेमाल किए जाते हैं, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।